मुजफ्फरनगर के दंगों में बड़े पैमाने पर लोग बेघर हो गए, जो पहले कभी नहीं देखा गया। कहा जा रहा है कि करीब 50,000 लोग मुजफ्फरनगर के गांव में बनाए गए राहत कैंपों में रह रहे हैं। उन्हें वापस जाने में डर लगता है। कैसे जाएंगे, वहां जाकर गले कटवाएंगे अपने? वहां पे जाट के साथ मुस्लिम आएगा दोबारा, असंभव। हम गांव नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? फिर भी हमें काट डालेंगे। नमस्कार, मुजफ्फरनगर चौपाल में आपका स्वागत है। भयानक सांप्रदायिक दंगे के बाद क्या मुजफ्फरनगर का समाज बट चुका है? किस तरह से वो पुरानी शांति, वो पुराना भाईचारा, वो पुराना चैन हम वापस ला सकते हैं? मुजफ्फरनगर की आवाज क्या है? क्या संदेशा देना चाहते हैं मुजफ्फरनगर के निवासी देश को? ये सवाल हम पूछेंगे मुजफ्फरनगर के लोगों को मुजफ्फरनगर चौपाल के जरिए। With us we have Gohar Siddiqui of the Secular Front joining us, DC Mittal, you are retired professor of English, NS Zaidi of the Ittihad Foundation, Anil Royal, you are a journalist and a eminent citizen of Muzaffarnagar, and Ashok Balian, you are in fact a Jat leader and the leader of the Balian Khap. आपकी आवाज मुजफ्फरनगर की आवाज है, आपकी आवाज पश्चिम उत्तर प्रदेश की आवाज है। हमारी इस चौपाल के जरिए हम आपकी आवाज, आपका संदेश देश तक पहुंचाना चाहते हैं। अनिल जी, पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगी, मुजफ्फरनगर में सदियों से एक एकता रही है, भाईचारा रहा है। जब अयोध्या कांड हुआ, जब मस्जिद गिराई गई बाबरी मस्जिद, यहां शांति बनी रही, यहां चैन बना रहा। अब इस भयानक घटना के बाद क्या बदलाव आ गया है मुजफ्फरनगर में? क्यों मुजफ्फरनगर बदल गया है? और क्या ये भाईचारा, ये एकता, क्या ये सिर्फ एक दिखावा था? 27 तारीख से जो घटनाक्रम शुरू हुआ है, उससे पहले मुजफ्फरनगर में जाट मुस्लिम गठबंधन इतना प्रगाढ़ गठबंधन था जिसने देश प्रदेश की सत्ता को प्रभावित किया है। जाट मुस्लिम गठबंधन के कारण ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक चौधरी चरण सिंह जी पहुंचे हैं। लेकिन 27 तारीख की जो घटना हुई है, वो जाट मुस्लिम में विवाद नहीं हुआ, अधिकारियों की लापरवाही के कारण ऐसी दुखद घटना हुई है जिसके कारण निर्दोष, सैकड़ों निर्दोषों आज लापता है या मृत्यु हो गई है। अधिकारियों की गलती के कारण जिले का माहौल खराब हुआ है। मुजफ्फरनगर में बहुत मोहब्बत नगर माना जाता था, मोहब्बत के वाला थे, यहां हिंदू मुस्लिम में बहुत भाईचारा था, लेकिन अधिकारियों ने अपनी गलतियों से ऐसा माहौल बनाया जिसकी वजह से मुजफ्फरनगर में ये बुरी स्थिति प्राप्त हुई। गौहर जी, क्या आप इससे सहमत हैं कि गलत काम प्रशासन ने किया, गलत काम सरकार ने किया, अभी भी वही एकता, वही भाईचारा अभी भी मुजफ्फरनगर में है? जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जब माहौल खराब होता है ये दो वर्गों के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नाक की सीध में नहीं चलाया जा सकता। आप इसको कहीं ना कहीं दोनों लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। वो उन्होंने इस बात को तरजीह नहीं दी और ये चीज गैप जो था वो और गैप होता चला गया। और आज आपने कहा है कि हजारों लाखों जो लोग हैं वो सब इससे आहत हैं, इससे इसको छुआ है उन्होंने, इसका कहीं ना कहीं उनका दंड भोगा है। तो ये हालात, ये बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ जो फैसले थे वो बहुत कमजोर थे और इस पे सही तरीके से फैसले नहीं लिए पाए। तो प्रशासन और सरकार ने गलत काम किया, अगर ये अच्छे काम करते, अगर ये अपनी जिम्मेदारी निभाते तो ये नहीं होता। बिल्कुल सही वक्त पे जागना जरूरी था, छोटी छोटी घटनाओं पर संज्ञान लेना जरूरी था। ये 27 तारीख नहीं, ये 27 तारीख से पहले भी कुछ घटनाएं थी जो लगातार चल रही थी। लगातार चलने के बाद ये थी कि जो चीज 28 तारीख में, ये 27 तारीख में बताई गई है कि लड़की की छेड़छाड़ पर भी वो चीज विवाद हुआ है। हम लोग ये कह रहे हैं कि जो लड़की, हर समाज का लड़की जो है वो हर समाज का एक सम्मान का प्रतीक है। अगर जो हम लोग
मिलकर इस चीज को साथ मतलब लेकर चलते। एक जो अपराध था, एक जो क्राइम था, एक क्रिमिनल एक्ट जो था, वो कॉम्युनल कलर दिया गया उसको। जैदी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हिंदुत्व के ताकत हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट ताकत हैं, यहाँ पर आकर के सांप्रदायिक भावना को फैला रहे हैं और लोगों के अंदर दूरियां पैदा कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि इन सब घटनाओं के साथ में इनका अस्तित्व जो है वो तो है, पाया जाता है, मगर मैं व्यक्तिगत आपत्तियों को बिल्कुल दरकिनार करते हुए केवल एक बात कहना चाहता हूं कि घटनाएं तो घटती ही रहती हैं, निर्माण और विघटन की घटनाएं साथ साथ चलती हैं। अब जो घट चुका है, जो विभीषिका जा चुकी है, उसको त्यागिए। अब मेरा संदेश तो ये है कि हम सब लोगों को पूरी शक्ति के साथ में इसको जोड़ने के अंदर, इस संघर्ष के अंदर। पर ये कैसे हो सकता है जैदी साहब, क्योंकि अभी भी जो बेघर हैं, जो गांव में माइग्रेट हो चुके हैं, जो अपने घर छोड़कर आ गए हैं, वो तो कहते हैं कि हम घर नहीं जा सकते वापस, क्योंकि अगर हम घर जाए तो हमें मार देंगे। तो उनमें हम कैसे, उनको हम कैसे आश्वासन दे सकते हैं कि नहीं, आप घर जा सकते हैं, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी भी डर का माहौल है, अभी भी खौफ का माहौल है। देखिए, ये दायित्व जो है ये तो शासन और प्रशासन दोनों का है। शासन और प्रशासन दोनों के बीच में समझ का अभाव इस समस्या का मूल कारण बना है। ये तो होगा ही, होता रहता है, रुकेगा नहीं। शासन अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, निभानी चाहिए। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, समाज को निभाना, समाज की जिम्मेदारी को मैं ज्यादा बड़ा मान रहा हूँ। समाज की जिम्मेदारी के बारे में आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है अपेक्षाकृत शासन और प्रशासन की। समाज की दृष्टि से मैं समाज का एक अंग हूँ। फिर अगर हमारा शासन प्रशासन सही जिम्मेदारी निभाता तो ये घटना ही नहीं होती, घटना ही नहीं होती। अगर 28 तारीख 27 तारीख की शाम से और 7 तारीख तक प्रशासन के फैसले ठीक होते तो ये घटना नहीं होती। हमारा स्पष्ट मानना ये है, पर समाज की जिम्मेदारी पर मैं 27 तारीख से बाद से 28 तारीख से लेकर 7 तक के घटनाक्रम की पूरी जांच हो, उन अधिकारियों को भी 302 में दंडित किया जाए जो निर्दोषों की मौत के लिए, उन अधिकारियों पर 302 लगाया जाए। मैं समझती हूँ कि ये जो समाज की जिम्मेदारी के बात की बात कही आपने, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। समाज की जिम्मेदारी क्या है? आप समाज के लीडर हैं, किस तरह से आप लोग जो सारे यहाँ हैं, जो समाज के लीडर हैं, किस तरह आप नई पीढ़ी को, अपने बच्चों को सांप्रदायिकता से दूर रखेंगे, किस तरह आप उनको सही रास्ते में लाएंगे, किस तरह से उनको ये भड़काऊ भाषण और ये सब भड़काऊ चीजें से अलग रखेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये तो वैसे तो इंडिविजुअल पे ही निर्भर करता है कि वो क्या सोच रखता है, लेकिन जिस प्रोफेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ वहां मैंने सब धर्म के बच्चों को शिक्षा दी है और कभी मैंने ये अंतर नहीं करा कि ये किस धर्म का है, वहां मेरे लिए वो एक विद्यार्थी था। और जहां तक इस बात का सवाल है समाज को कैसे सुधारा जा सकता है, मैं तो व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि अगर समाज ये चाहता है कि हम ना बटें तो कोई उन्हें नहीं बांट सकता। जी जी। और इसमें जो सबसे कहना चाहिए खराब रोल अदा कर रहे हैं वो हमारे नेतागण कर रहे हैं। जी, तो नेतागण यहाँ हस्तक्षेप ना करें। हाँ। यहाँ इंटरफेयर ना करें। हाँ। और आपको चैन से जीवन जापन करने दें। मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पर इतने नेताओं का आगमन ना होता डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, तो यहाँ अमन काफी जल्दी आ जाता। जी, अशोक बालियान जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये सोच के बारे में बात कर रहे हैं, हम कैसे अपनी सोच बदल सकते हैं, हम सब जो इंडिया के वासी हैं, मुजफ्फरनगर के निवासी हैं, किस तरह से हम अपनी सोच को बदल सकते हैं कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, हम आपस में झगड़ा करें, मार काट करें, ये सोच को हम कैसे बदल सकते हैं? ये बदली जा सकती है। सामाजिक क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो समाज को शिक्षा दें, पहले तो वो खुद शिक्षा लें। मित्तल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पॉलिटिशियन हर लोग अपने धर्म और बिरादरी के लिए खड़े हो गए, ईमानदारी से बात नहीं करते। जब सारिका जी, जब ईमानदारी से बात नहीं होगी तो फिर प्रशासन में जो पॉलिटिकल पार्टी होगी उसका इंटरफेयर होगा अनुचित रूप से। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोगों को किसी भी घटना पे ईमानदारी बरतनी चाहिए, अनुचित इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्या आप भी मानते हैं कि निष्पक्ष प्रशासन नहीं है, सरकार नहीं है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ सरकार काम ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं है। अगर प्रशासन निष्पक्ष होता, प्रशासन को निष्पक्ष होना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए, जिसका अभाव था, जिसकी वजह से दंगे हो। 27 तारीख का जो एक्ट था वो क्रिमिनल एक्ट था, जो ईव टीजिंग एक्ट था वो क्रिमिनल एक्ट था, उसमें 3 बच्चे मर गए दोनों पक्षों के। 28 तारीख को सबको ये पता था क्या करना चाहिए था, प्रशासन 28 तारीख को सबको ये पता था
कि मुस्लिमों में भी हिंदुओं में भी गुस्सा होगा, जो दाह संस्कार से आएंगे, जनाजे से आएंगे, उनमें गुस्सा होगा। जब वो लौट के आ रहे थे, प्रशासन ने पहली लापरवाही ये की कि उनमें से उनको उस एरिया में जहां मिक्स आबादी थी, दूसरे वर्ग के लोग थे, वहां आने दिया, जिससे 18 घरों में लौटते समय शमशान घाट से गुस्से में लोगों ने प्रतिक्रिया स्वरूप तोड़फोड़ की, पहली घटना। उसके बाद प्रदेश सरकार ने एडीजी और नए एसएसपी को भेजा, वो आए, उन्होंने केवल एक वर्ग के लोगों से बात की। अगर वो उसी समय दूसरे पक्ष के लोगों को भी कहते कि मैं सरकार की तरफ से आया हूं और दोनों पक्षों के साथ दोषियों को सजा दी जाएगी, निर्दोष की मदद की जाएगी, फर्जी नामजदगी हटाई जाएगी, जो बाद में हटाई वो न हट जाती तो कुछ झगड़े नहीं होते। आप प्रशासन को दोष दे रहे हैं, पर ये भी तो मानना होगा ना कि समाज बट चुका है। समाज उससे पहले नहीं बटा था। नहीं होता तो फिर ये जो ताकतें हैं ये इनको इस्तेमाल करके ये दंगे कैसे करवाते। अगर प्रशासन की देखिए, पिछले दिनों में जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उसको बनवाने में मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय का मेन योगदान रहा है। सरकार बनाने में चूंकि मुस्लिम वर्ग का योगदान रहा है, तो मुस्लिम वर्ग में यह भावना जरूर है कि सरकार ये हमारी है, और जब आदमी के अंदर ये अनुभूतियों की सरकार हमारी है तो निश्चित रूप से थोड़ा वो अपने आप को पावरफुल मानता है। पिछले कुछ दिनों में, एक डेढ़ साल में, ईव टीजिंग की कई घटनाएं हुई जिसमें प्रशासन ने सरकार के दबाव में कहिए, स्थानीय राजनेताओं के दबाव में कहिए, निष्पक्षता का व्यवहार नहीं किया। वो एक नासूर बनता आ रहा था। जब ये कवाल की घटना हुई, उस नासूर को प्रशासन ने फिर वो एक्ट दिखाया जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप ये सब दुर्घटनाएं हुई, और ये बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हुई, हमको 2013 में 1947 में पहुंचा दिया है। 1947 में भी इस जिले का माहौल बहुत शांत था। वरन मैं एक चीज अर्ज करना चाह रहा था कि जब तक हम लोग किसी भी घटना के प्रति हम लोग अपनी संवेदना नहीं रखेंगे, हम लोग जिंदा दिली से उस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे कि क्या सही था क्या गलत था, तब तक हम इसी तरीके से निष्पक्षता, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में बहते रहेंगे। मेरा इन सब लोगों से, आपके टीवी के चैनल के माध्यम से, ये चीज है इस समाज को कि समाज बड़ा है, समाज अपनी बड़ी जिम्मेदारी निभाए, और जिम्मेदारी इस तरीके से निभाए कि उसमें ना तो कोई हिंदू हो ना कोई मुसलमान हो, उसमें सिर्फ इंसाफ हो। और चीज ये चीज फिर भी एक बात तो कह रहा हूं, आज भी सोच बदलनी होगी और प्रशासन को भी ये भूमिका निभानी होगी। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां जाट बाहुल्य क्षेत्र में मुसलमानों के साथ नहीं कुछ हुआ, जहां पर मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र में आज भी जाटों के साथ कुछ नहीं हुआ। ये चीज मैं बड़े इत्मीनान के साथ कह सकता हूं कि मैं ये चीज कह रहा हूं कि जहां हम आज बैठ के अपनी बात कह रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम सब लोग दोनों मिलकर इस चीज का हल निकाल रहे हैं कि आखिरकार को मुजफ्फरनगर का जो वो भाईचारा था, जो अमन में जो जहर घोला गया था, उसको कैसे दूर कर सके। मैं इस निवेदन के साथ में कि हम लोग सच्चाई ईमानदारी से उन चीजों को तस्लीम करें, जिसकी जो गलती थी उसके आधार पर प्रशासन को अब पूरा फ्री हैंड छोड़े कि वो चीज तय करें कि किसकी कहां पर दे, दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, किसी भी समुदाय के दोषी बचना